अस्सलाम वालेकुम कादिर भाई, अब कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। शानू जाओ, कादिर के लिए जूस लेकर आओ। जी ठीक है बेगम। अस्सलाम वालेकुम। कैसा है मेरा बच्चा? ठीक हूँ मुझको। अल्लाह मेरे बच्चे को लंबी जिंदगी दे। मैंने हर सजदे में अपने बच्चे की लंबी जिंदगी की दुआ मांगी। जी तेरा बेटा, तुम आराम करो, आओ यास्मीन इसको आराम करने दो। कादिर बेटा, वो तुम्हारा नाश्ता, और तुम कहाँ सुबह सुबह जा रहे हो? अम्मा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। 2 दिन हुए तुम्हें हॉस्पिटल से घर आए हुए। बेटा तुम्हें भी रेस्ट की जरूरत है, आराम करो, ऑफिस नहीं जाना तुमने। अरे अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी ऑफिस की बहुत छुट्टियां हो गई हैं, दोबारा ज्वाइन करना चाहिए। मैं मगर बेटा कैसे आपसे कह रहा हूँ, आप बिल्कुल परेशान हैं। ना परेशान हो, तुमने इतना सब कुछ सहा है, अब फिर से अगर कोई स्ट्रेस वगैरह तुमने ले लिया तो। अच्छा चले, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कोई स्ट्रेस नहीं लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा नाश्ता लगवाती हूँ, आ जाओ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ये खाओ, हमारे लिए बस बहुत जरूरी है। मैंने खा लिया है। खाओ खाओ, और ये जूस तो लाजमी पीना है तुमने, बहुत जरूरी है बेटा। लो, आपको कुछ चाहिए? अमीरा ये लो। थैंक यू। हाँ तो लो तुम। नहीं नहीं बस मुझे ऑफिस के लिए जरूरी है, मैं चलता। अच्छा ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, खैर से जाओ। वैसे आप थोड़ा ध्यान दें तो आपका बड़ा बेटा भी यहाँ है, छोटे बेटे से अगर फुर्सत मिले तो उसे भी पूछ लें। क्या पूछूं, सब कुछ तो तुम्हारे सामने रखा है। पता नहीं कौन सी छींट मट्टी की बनी हुई हो तुम, इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई है कि तुम मेरा सामना करो? उसे सुनाना बंद कीजिए, उसके सच को उसका कसूर बना दिया है आपने। अमीरा, अगर तुमने नाश्ता कर लिया तो गेट रेडी, मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। जी बाबा, ये सैंडविच मैं रास्ते में ही खा लूंगी। वैसे भी खुद कर्ज लोगों के साथ एक ही टेबल पे खाना खाऊंगी तो हजम नहीं होगा। आओ, आओ। देख लिया आपने, अभी मामी ने मुझे कितनी बातें सुनाई हैं, और अब ये अमीरा भी ताने देने लगी है। मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन उस दिन हॉस्पिटल में इसने मुझसे बहुत बदतमीजी की थी, और अभी भी सब एक एक करके मुझे देखकर चले गए। वहां मुझे बताएं, इस घर में मेरी हैसियत क्या है? तुम्हारा मसला क्या है?
तुम्हें क्या लगता है इतना कुछ हो गया अब इसके बाद ये लोग तुम्हें फूलों के हार पहनाएंगे, आवभगत करेंगे तुम्हारी? जो जैसा चल रहा है जब तक चल रहा है बर्दाश्त करो उसे। पता नहीं हारिस का मिजाज कैसा है, मुझे तो उनकी एक समझ नहीं आती। पल में आसमान पर पहुंचा देते हैं और अगले ही लम्हे जमीन पर पटक देते हैं। ना जाने मुझसे शादी करेंगे भी या नहीं। कादिर, हेलो, हाय, अभी भी आए ऑफिस से? हाँ बस अभी अभी आया हूँ, और तुमको देखने से लग रहा है कि तुम्हारी भी अभी अभी वापसी हुई है। हाँ ऐसा ही है। ना मुस्कुराया क्यों जा रहा है, कोई खास वजह? वजह तो है। तो फिर मुझे भी बताओ क्या वजह। तुम पहले आओ बैठो तो। मुझे बताओ तुमने अपने ईमेल्स चेक किए? नहीं, तुमने मुझे कोई ईमेल किया क्या? चेक करो ना। अच्छा, ये सब क्या है? मेरी कंपनी से तुम्हें जॉब के लिए इंटरव्यू का ईमेल आया है। लेकिन मैंने तो कभी अप्लाई नहीं किया। मैंने तुम्हारी सीवी फॉरवर्ड कर दी थी। हुरमी क्या किया यार, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी जॉब से बहुत सेटिस्फाइड हो, तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चांस है। तुम्हें पता है पूरे मुल्क में से चंद लोगों को सिलेक्ट किया गया और तुम उनमें से एक हो। इनफैक्ट ये इंटरव्यू तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। मैं अपने बॉस को तुम्हारे बिहाफ पे ये कंफर्मेशन दे चुकी हूँ कि मैं कादिर कज़लबाश को दूसरी कंपनी से तोड़ के हमारी कंपनी में ले आऊंगी। हाँ ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मैं खुश हूँ, लेकिन अब तुम जबान देकर आ गई हो। तुम कमाल करते हो, तुम जानते भी हो कि फ्रैंकिंसन एंड को में जॉब के लिए लोग दिन रात एक कर देते हैं, फिर भी उनकी दाल नहीं गलती। लेकिन क्योंकि तुम इस काबिल हो इसीलिए तुम्हें घर बैठे बैठे ऑफर आई है। तुम्हें बहुत लकी फील करना चाहिए कि तुम हमारी कंपनी का हिस्सा बनने जा रहे हो। बस फौरन से रिजाइन करो और हमारी कंपनी ज्वाइन करो। लेकिन हुरम यार, आई नो कि तुम बहुत अच्छे हो और जहां जाओगे खुद भी खुश रहोगे और दूसरों को भी खुश रखोगे। वो लोग और होते हैं जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी उनका दिल नहीं भरता। बस उनका दिल करता है कि जो चीज दूसरों के पास है वो उनकी हो जाए।